नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर कुशवाहा विधानसभा बुराम लहरा सहित प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते उम्मीदवार अपनी दावेदारी को लेकर अपनी ताकत का एहसास कराते नजर आ रहे हैं। उसी तारतम्य में आज बिकसवाहा मुख्यालय पर गोला की मडिया प्रांगण में भारी जनसमूह जमावड़ा नजर आया, जहां पर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि विभिन्न समाज के प्रमुखों ने सहभागिता कर प्रद्युमन सिंह लोधी के विरोध में जमकर नारेबाजी कर कांग्रेस को फिर विजयी बनाने का संकल्प लिया। कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ ही समाज प्रमुखों ने गर्मजोशी से मंच पर अपनी बात रखी और एकजुटता के साथ कांग्रेस को विजय दिलाने का हनुमान दरबार में संकल्प लिया। इस मौके पर कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले प्रद्युमन सिंह लोधी की कड़ी भर्त्सना करते हुए उन्हें क्षेत्र से खदेड़ कर सबक सिखाने और उनके कथित कारनामों को गिनाया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस शासन कार्यकाल की जनकल्याणकारी नीतियों को गिनाया। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन एवं विशाल भंडारा कार्यक्रम में मंच पर जोशीले अंदाज में कांग्रेस के जिला महामंत्री वीरेंद्र सिंह, पूर्व पीसीसी राजेश रागी, जिला सचिव बलभद्र राय, मस्तू यादव, नारायण सिंह लोधी, पहार सिंह लोधी, राजा सुजारा, मुकेश राजपूत, आशिक मंसूरी, गोपाल लोधी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों को बताते हुए कांग्रेस को विजयश्री दिलाने की बात कही। वक्ताओं ने कांग्रेस हाईकमान से क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को ही पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने की मांग रखी। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन एवं विशाल भंडारा कार्यक्रम के आयोजक लक्ष्मण सिंह लोधी ने सभी का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया और उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से बड़ा मलहरा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाने और एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजयश्री दिलाने की बात कही।